अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू रणजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। आज हम आपके लिए एक टिप्स लाए हैं, ये भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। हमारी बॉडी के पार्ट्स जो ब्लैक हो जाते हैं तो उनको कैसे साफ कर सकते हैं। वो हमारे निकल भी हो सकते हैं और गर्दन भी हो सकती है, घुटने भी हो सकते हैं और टखने भी हो सकते हैं। तो जो भी आपके बॉडी पार्ट्स ब्लैक हैं उनको वाइट करने के लिए मैं आज बहुत अच्छी टिप्स लाई हूँ और यह इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो यहाँ मैंने लिया है एक टिश्यू और इसे मैंने भिगो लिया है नीम गर्म पानी में। इसे हम सबसे पहले अपने उसी एरिया पर रखेंगे जहाँ से हमें अपनी स्किन फेयर करना है। तो मैं यहाँ पे आपको पूरे हाथ पे करके बताऊँगी और इसे 2 से 3 मिनट रखें ताकि स्किन हमारी नरम हो जाए और आराम से हम उसको फिर क्लीन कर सकें। तो ये हमने कर लिया, अब हम साफ़ कर लेंगे और इसे ड्राई होने देंगे। जब तक हम ये बना लेते हैं, इसमें हमें चाहिए खीरा। तो हम लेंगे सबसे पहले खीरा, मैंने लिया है, मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। ये 1 टेबलस्पून होगा भर के और ये मैं डालूँगी इसके अंदर, इसको कर देंगे साइड में। इसी तरह हम आलू भी लेंगे और आलू को भी ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरह धो लीजिएगा पहले ताकि इसकी मिट्टी ख़त्म हो जाए। यह भी हम इसमें डालेंगे, ये भी 1 टेबलस्पून है। इसमें हम डालेंगे लेमन जूस 1/2 टीस्पून, कॉफ़ी 1/2 टेबल स्पून और बेसन डालेंगे 1 टेबल स्पून और बिल्कुल थोड़ा सा 1 चुटकी मैं लूँगी बेकिंग सोडा। ये देखें, एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा पेस्ट बन गया है और वहीं लगाएगा जहाँ की स्किन आपको वाइट करना है। तो मैं अपने पूरे हाथ पे करके दिखाती हूँ, आप लोग इससे गर्दन पे भी कर सकते हैं, कोहनी पे भी कर सकते हैं, जहाँ की स्किन आपकी ब्लैक है वहाँ पे कर सकते हैं, पाँव पे भी कर सकते हैं और घुटनों पर भी। और इसका मसाज करेंगे। इसमें जो भी चीज़ें डाली हैं सब बेस्ट हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। इससे आपकी स्किन फेयर होगी, दाग धब्बे दूर होंगे और स्किन क्लियर होगी। इसमें मैंने डाला है आलू, खीरा और लेमन जूस। सबको पता है नेचर ब्लीच का काम करता है, स्किन को वाइट करता है, दाग धब्बे दूर करता है और स्किन को फेयर करने में बहुत हेल्प करता है। इसमें मैंने डाला है बेसन हमारी डेड स्किन दूर करेगा, स्किन को फेयर करेगा और ये डार्कनेस वगैरह जो हो जाती है स्किन पे ये दूर करेगा। कॉफ़ी डालिए, कॉफ़ी भी यही काम करती है, कॉफ़ी हमारी स्किन को फेयर करती है, दाग धब्बे दूर करती है और स्किन को क्लियर करती है। बेकिंग सोडा 1 चुटकी डाला है मैंने और इसको 1 ही चुटकी डालना है। तो ये भी हमारी स्किन को फेयर करता है, दाग धब्बे दूर करता है और एक्नी के निशान वगैरह रिमूव करता है, ब्राइडर स्किन कर। तो इसका हम मसाज करेंगे 2 से 3 मिनट। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं सारी नेचुरल हैं और सारी बहुत अच्छी हैं स्किन को ब्राइट करने में। ये मैंने कर लिया और अभी मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ है, 20-25 सेकंड हुए होंगे। अब मैं इसको धो के दिखाती हूँ। ये देखिए जी मेरा हाथ और ये वाला देखें, ये देखें मेरा हाथ, इससे आपकी स्किन बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगी, फेयर होगी और स्किन 2-3 दफ़ा के इस्तेमाल से बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी भी फ़र्क साफ लग रहा है, ये देखें और ये देखें।
तो ये बनाएगा मुझे और बताएगा कैसा लगा। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करवाएं। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको बहुत ईजी आसान ब्यूटी टिप्स मिलेंगी, जो सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। ये इतने मज़े का लग रहा है, दिल चाह रहा है खा लूँ लेकिन खा नहीं सकती। हाँ, इसको पकौड़े बना के ज़रूर खा सकती हूँ। खैर ये मजाक है, और मुझे बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड में मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिएगा, रानी ब्यूटी टिप्स। वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के मुतालिक या फिर मेरी किसी भी वीडियो के मुतालिक तो मुझे आप व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग हमेशा कमेंट्स में पूछते हैं कि मुझे व्हाट्सएप का नंबर दें, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ नंबर है फेसबुक का भी और व्हाट्सएप का भी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिनके सनटैन है वो भी ये यूज़ कर सकते हैं, पाँव पे भी, हाथों पे भी, और सनटैन भी इससे रिमूव होगा, स्किन इवन स्किन हो जाएगी। तो अच्छे लगे मेरी वीडियो तो थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और अपने अपने घर वालों का, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। और इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।